से झारखंड विधानसभा अध्यक्ष हटाने की मांग अब तेज हो चुकी है। बीजेपी विधायकों ने विधानसभा के प्रभारी सचिव को पत्र सौंप दिया है। बाबूलाल मरांडी और अमर कुमार बावरी समेत 20 बीजेपी के विधायकों ने पत्र पर हस्ताक्षर भी किए हैं। पत्र में बीजेपी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है कि बीजेपी के 18 विधायकों को हेमंत सरकार के इशारे पर निलंबित किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने अपने पद का दुरुपयोग किया है और ये वो पत्र है जिस पर देखिए सभी के सिग्नेचर किए गए हैं। और ये जो लेटर है देखिए लिखा गया है और बताने चले आपको, सभी 18 निलंबित जो विधायक थे उन्होंने सिग्नेचर कर दिया है। साथ ही साथ आपको बताते चले, बाबूलाल मरांडी, अमर कुमार बावरी समेत 20 बीजेपी विधायकों ने पत्र पर हस्ताक्षर किया है जिसको कि प्रभारी सचिव को सौंपा गया है। विधानसभा अध्यक्ष को हटाने की मांग अब तेज हो चुकी है, यानी कि स्पीकर को हटाने की मांग की जा रही है विपक्ष के विधायकों के द्वारा। उनको 2 दिनों तक निलंबित किया गया, 18 विधायकों को। तो ऐसे में आरोप लगाया जा रहा है कि हेमंत सरकार के इशारे पर यह एक्शन लिया गया स्पीकर के द्वारा। और अब यही आरोप लगाते हुए अध्यक्ष को हटाने की मांग की जा रही है कि पद का दुरुपयोग किया गया है। और लगातार कहा जा रहा है कि विधायकों को हेमंत सरकार के इशारे पर निलंबित किया गया। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश देखिए, अब अध्यक्ष को हटाने की मांग तेज हो चुकी है, बीजेपी के विधायकों ने सिग्नेचर भी किया है पत्र पर, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, जो पत्र जारी भेजा गया है सचिव को, विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा सचिव को भेजा गया है और उसमें ये कहा गया है कि जो वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष है रविन्द्रनाथ महतो, उनको उनके पद से हटाया जाए। और आरोप ये लगाए गए हैं कि वो एक पार्टी के विधायक के तौर पर, एक प्रतिनिधि के तौर पर जो है एक्ट कर रहे हैं। कई उदाहरण उसमें ऐसे दिए गए हैं, चाहे वो लोकसभा चुनाव के संदर्भ में दिया गया बयान हो, जब वहाँ दुमका लोकसभा क्षेत्र के लिए उनका जो नाला विधानसभा क्षेत्र पड़ता है वहाँ ये आरोप लगाया गया कि वो जेएमएम प्रत्याशी के पक्ष में झंडा लगाकर प्रचार कर रहे थे जबकि वो विधानसभा अध्यक्ष हैं। दूसरा जो अभी ताजा मामला है बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर भी विधानसभा अध्यक्ष ने जो बयान दिया था कि ऐसा कहीं कुछ नहीं है राज्य में, कहीं कोई बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं है, उस पर आपत्ति दर्ज की गई है। तीसरा जो महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जिस तरह से जेएमएम के विधायक सुधीर कुमार सोनू ने सदन में सभी विधायकों का नाम पढ़ते हुए ये मांग की थी कि इन्हें इन पर कार्रवाई करनी चाहिए, और वो नियम का जो उस पत्र में कहा गया है कि नियम का ये काम जो है वो संसदीय कार्य मंत्री का होता है और सदन में ये संसदीय कार्य मंत्री को ये प्रस्ताव लाना चाहिए था। तो बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं और उन्हीं आरोपों को लेकर अब हम कह सकते हैं कि नए सिरे से राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी के जो विधायक हैं इस वक्त भी विधानसभा की जो कार्यवाही चल रही है वो सदन के अंदर नहीं है, वो बाहर है। और एक ही बात जो शुरू से वो कह रहे थे कि जब तक सीएम अपना बयान नहीं देते हैं, सीएम का संबोधन सदन के अंदर नहीं होता है, वो नहीं आएंगे। दूसरी पाली में सभी 18 जो विधायक जो निलंबित हुए थे वो जरूर आए थे, श्री राम के नारे के साथ उनकी एंट्री हुई थी और उसके बाद वो लगातार वेल में खड़े रहे, यही कहते रहे कि सीएम से वक्तव्य दिलाया जाए। सीएम उस वक्त सदन में नहीं थे, इसलिए सभी विधायक जो हैं बीजेपी के जो विधायक हैं वो इस वक्त सदन से बाहर हैं। सदन की कार्यवाही जरूर चल रही है, अभी गैर सरकारी संकल्प चल रहा है, लेकिन गैर सरकारी संकल्प में भी बीजेपी के विधायक भाग नहीं ले रहे हैं। तो ये देखना होगा कि जो सचिव को पत्र भेजा गया है उसमें बीजेपी के विधायकों के हस्ताक्षर हैं, उस पर जो विधानसभा के सचिव हैं वो क्या करते हैं, नियम क्या कहता है, क्या सचिव को पत्र लिखने के बाद इस तरह की कोई कार्रवाई हो सकती है, इसके लिए सदन की कितनी बड़ी भूमिका होती है, ये सारी चीजों को, ये सारी पहलुओं को सचिव देख रहे हैं। ठीक है अविनाश, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। अब बात करते हैं बांग्लादेश घुसपैठ की, जिसको लेकर के झारखंड में सियासत खूब हो रही है, सियासत गर्म भी है। जमशेदपुर पहुंचे हेमंता बिस्वा सरमा ने घुसपैठ को लेकर के एक बड़ा दावा किया, कहा कि घुसपैठ बंद नहीं हुआ तो झारखंड खत्म हो जाएगा। हेमंता बिस्वा सरमा झारखंड दौरे पर, आपको बताते चलें कि बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हैं हेमंता बिस्वा सरमा, जो कि कई बार झारखंड पहुंच चुके हैं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हैं, रणनीति बना रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के। ऐसे में एक मुद्दा जो काफी जोर शोर से उठ रहा है इस बार के चुनाव के लिहाज से भी कह लें, वो है बांग्लादेशी घुसपैठी की। मान लीजिए 30 साल का बाद झारखंड का कोई मुख्यमंत्री घुसपैठियों बैठेगा हॉल में
और झारखंड का जो मुख्यमंत्री है वो घुसपैठियों का सामने सरेंडर करके हाथ उठा के बैठे रहेगा। तो वही मॉनसून सत्र के आखिरी दिन सदन में चार विधेयक पास हुए। इनमें निजी विश्वविद्यालय विधेयक, खनिज धारित भूमि उपकरक विधेयक, कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं विधेयक और अग्निशमन सेवा विधेयक शामिल है। तो वहीं इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक को लेकर कहा है कि ये विधेयक राज्य के लिए बेहद जरूरी है। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 05 से खंड 15 तक इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि खंड 01 इस विधेयक का अंग बने, जो इसके पक्ष में है हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 01 इस विधेयक का अंग बना। अनुसूची में कोई संशोधन नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक 2024, ये बात सही है कि ये जो आज विधेयक आया है, ये विधेयक अध्यक्ष महोदय राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुउद्देशीय विषय को लेकर। महोदय, ये समय समय पर कई चीजों में बदलाव होती रहता है, कभी घटाना पड़ता है, कभी बढ़ाना पड़ता है कई चीजों को। तो इन सभी जो कोयला आधारित भूमि, लोयस आधारित भूमि, बॉक्साइट आधारित भूमि, चूना पत्थर आधारित भूमि, मैग्नीज अयस्क आधारित भूमि, अन्य खनिज आधारित भूमि, इन सभी पर अध्यक्ष महोदय राज्य सरकार को ये अधिकार प्राप्त हो कि समय अनुसार वो अपने दर को एक नोटिफिकेशन के द्वारा घटा बढ़ा सकती है। और देखिए, विधानसभा मॉनसून सत्र का आखिरी दिन भी हंगामेदार रहा। आज विपक्ष के मौजूदगी के बिना ही 2 बजे से पहले तक सदन चला और इस पर आजसू विधायक सुदेश महतो ने आपत्ति जताई। सुदेश महतो ने कहा है कि यह स्वस्थ परंपरा की निशानी नहीं है। स्पीकर को सभी को विश्वास में लेकर सदन चलाना चाहिए था। मानेंगे स्पीकर साहब को, कल मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आपको इसमें मध्यस्थता करनी चाहिए और शायद ये पद और ये उसी के लिए होता है कि वो बैलेंस बना के रखे सत्ता पक्ष और विपक्ष में। अगर इतना कठोर विपक्ष के लिए होंगे तो थोड़ा कभी जवाब सरकारी जनता के सवालों का जवाब में भी उन्हें कठोर होते हुए कभी नहीं देखा है, तो एक प्रश्न चिन्ह हमेशा लगा रहेगा। और झारखंड विधानसभा के बाहर आज विरोध का अनोखा नजारा देखने को मिला। आज विपक्ष के निलंबित विधायकों ने सरकार की बालू नीति का विरोध करते हुए बालू बेच करके विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी के निलंबित विधायक सदन में बालू और तराजू लेकर के पहुंचे। नीरा यादव ने जहां 100 किलो तराजू पर तौलकर बालू बेचना शुरू किया, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी विधायक शशि भूषण मेहता शरीर पर बालू की टोकरी लेकर के विधानसभा पहुंच गए। देखिए न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा की रिपोर्ट। बीजेपी के निलंबित विधायक विधानसभा के बाहर बालू बेच रहे हैं। देख सकते हैं कि मुख्य सचेतक जो हैं विरंची नारायण हाथ में पॉलिथीन का तौल तौल के यहाँ पे क्या कर रहे हैं दादा? ये सरकार जिस तरीके से नौजवानों को ठगा, बेरोजगारों को ठगा, वैसे गरीबों को भी ठगने का काम करे। क्या उन्होंने 5 लाख नौकरी दे दिया? क्या बेरोजगारी भत्ता दे दिया? तो बालू भी जब एनजीटी लागू है 15 फुट तक बालू का उठाव नहीं कर सकते हैं, तो गरीबों को बालू देने का काम कैसे करेंगे? तो ये सरकार ठग कर रही है, गरीबों को भी छोड़ने वाली नहीं है, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। देख रहे हैं कि यहाँ पर विधायक जो हैं बालू बेच कर सरकार की बालू नीति का विरोध कर रहे हैं। दीदी क्या कर रहे हैं? यहाँ पर देखो 1000 रुपए किलो कोयल नदी का बालू, अमानत नदी का बालू, बालू 1000 रुपए किलो, बालू
1000 रुपए किलो बालू, प्लास्टर बालू 1000 रुपए किलो बालू, बालू अबू आवास के लिए बालू खरीदा आपने? सोने का रेट, हीरा सोना का जो रेट होता है ना, वो रेट में हम लोग बालू खरीद रहे हैं। समझिए, इसमें अगर माननीय सीएम साहब बोल रहे हैं कि हम बालू फ्री में देंगे तो गरीब के भावना के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम 100 रुपया में बालू बोले तो हम 100 रुपया में 1 किलो बालू तौल के रखे हैं। हम लोग जो बोलते हैं, भाजपा जो बोलती है वो करके दिखाती है, और वही आज हम विधानसभा के पोर्टिको में 100 रुपया बालू दे रहे हैं तो हम 100 रुपया का बालू देंगे। गाँव के जो योजनाओं का निर्माण है, चाहे पीएम आवास योजना हो, चाहे अबू आवास योजना, तमाम योजनाओं के लिए बालू नहीं मिल रहा है। ऐसे में विपक्ष जो है, विपक्षी विधायक सदन के अंदर नहीं है क्योंकि दोपहर 2 बजे तक निलंबित है, और ऐसे में पूरा विपक्ष जो है 18 बीजेपी के विधायक विधानसभा के बाहर जिस तरीके से बालू बेच के विरोध कर रहे हैं, वास्तव में सरकार की नीति का ही विरोध कर रहे हैं, और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने हमें निलंबित किया है तो हम विधानसभा के बाहर भी चैन से सरकार को नहीं बैठने देंगे। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। रांची से एक और बड़ी खबर, हाई कोर्ट में लोबिन हेम्ब्रम की याचिका पर सुनवाई। लोबिन हेम्ब्रम ने स्पीकर के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी। स्पीकर की ओर से लोबिन हेम्ब्रम की विधायकी खत्म करने का आदेश दिया गया था। हाई कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर को सभी दस्तावेज पेश करने का आदेश दिया है। ये बड़ी खबर लोबिन हेम्ब्रम से जुड़ी हुई। आपको बताते चले कि स्पीकर की ओर से लोबिन हेम्ब्रम की विधायकी खत्म करने का आदेश दिया गया था और इसी को लेकर के सुनवाई हुई। आपको बताते चले विधानसभा स्पीकर को सभी दस्तावेज पेश करने का आदेश कोर्ट की तरफ से दिया गया है। तो स्पीकर के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी लोबिन हेम्ब्रम के द्वारा। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, देखिए हाई कोर्ट में लोबिन हेम्ब्रम ने स्पीकर के आदेश को चुनौती दे दी, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए जेएमएम विधायक जो है लोबिन हेम्ब्रम जो है, उन्होंने जब उनकी विधायकी खत्म की गई थी तो उन्होंने पूरे मामले को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और ये कहा था कि उनके साथ ये गलत किया गया है, और पूरे मामले में उनके अधिवक्ता की ओर से स्पीकर को इस मामले में बनाया गया था। लेकिन आज इस याचिका को सुप्रीम करते हुए जब सुनवाई हुई तो हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि आप इस मामले में जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन को भी आप पार्टी बनाइए ताकि इस मामले की सुनवाई विशेष तौर पर हो सके। और अब चूंकि इस आप देख रहे हैं कि मानसून सत्र चल रहा है, अब मानसून सत्र को लेकर सीधे चुनाव में भी जाना है, तमाम ऐसे नेता हैं जिनकी विधायकी किसी न किसी कारण से गई है, वे तमाम लोग अब जो है कानूनी रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, और उसी में आपको एक लोबिन हेम्ब्रम भी है जिनकी विधायकी जो गई है। तो विधायकी को सिर्फ कानूनी तौर पर अब जो पार्टी को चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। जाहिर है कि जैसे जैसे सुनवाई आगे बढ़ेगी तो इस मामले में जो फैसला लिया गया है स्पीकर की ओर से और पार्टी की ओर से, दोनों इस मामले में आपको पार्टी के तौर पर नजर आएंगे और दोनों को कोर्ट में अपना जवाब भी प्रस्तुत करना होगा। जी बिल्कुल संजय, और देखिए विधानसभा स्पीकर ने सभी दस्तावेज पेश करने के लिए कहा है, आदेश दिया है। कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स होंगे जो कि पेश किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए ये डॉक्यूमेंट्स वो होंगे जिसमें सबसे पहले स्पीकर को ये बताना होगा कि उन्होंने ये फैसला किस आधार पर लिया, पार्टी की ओर से उन्हें कौन से डॉक्यूमेंट, पार्टी मतलब जेएमएम की ओर से कौन से दस्तावेज जो है, जो कि पार्टी के सर्वे सर्वा उनके अध्यक्ष होते हैं, कोई फैसला जो है अध्यक्ष की ओर से ही होता है, फिर वो जाता है फैसला आपको स्पीकर के पास, तो वो आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको जो है स्पीकर को प्रस्तुत करने होंगे कोर्ट में, उन्होंने जो विधायकी खत्म करने को जो फैसला सुनाया है उसके पीछे आधार क्या है। अब अगली सुनवाई कब होगी इस मामले को लेकर संजय? जी जब इसकी अगली सुनवाई जो है, अभी आपको जो इसके अभी कोर्ट का जो अभी आदेश अभी आएगा जो अपलोड होगा तो उसमें सुनवाई की तारीख भी होगी, और जैसी तारीख होती है हम दर्शकों को भी बताएंगे। ठीक है, ठीक है संजय, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। अब बात करते हैं मौसम की। देखिए गुमला में रुक रुक कर मूसलाधार बारिश से कई गली मोहल्ले जलमग्न हो गए हैं, सड़कें तालाब में तब्दील हो गए हैं और कई घरों में पानी घुस आया है। रिपोर्ट देखिए। जब सड़क बन गई तालाब, पानी में डूब गया गुमला शहर, घर में घुसा नाले का गंदा पानी, ये सड़क है या तालाब? पानी की धारा इतनी तेज है कि घर और नहर एक हो गया है। कोई बाल्टी से बारिश का पानी बाहर उड़ेल रहा है तो कोई डब्बे से अपने आशियाने को बचाने की कोशिश कर रहा है।
बच्चे हो या बड़े, सभी घर के अंदर भरते जा रहे पानी को बाहर निकालने का जतन कर रहे हैं। ये नजारा कहीं और का नहीं, ये है गुमला शहर की हकीकत। मॉनसून की झमाझम बारिश में कई गलियां डूब गई, सड़कें दरिया बन गई हैं और कई घर के अंदर नाले का गंदा पानी बह रहा है। गुमला शहर में लगातार एक घंटा से बारिश हो रही है। इस वक्त मौजूद है हम गुमला के कुम्हार मोड़ के पास में। आप देख सकते हैं ये आपको जो दृश्य है, ये नदी में ही है, हालांकि ये सड़क है, लेकिन यह अभी जो बारिश हो रही है इससे नदी में तब्दील हो गया है और जो लोग आ जा रहे हैं उनको आने जाने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। खास करके आपको बता दें जो ये पानी है बारिश का, ये पूरे घरों पर चला जा रहा है। ये नाली का पानी है, घर में भर गया है, लोग बाल्टी के जरिए यहाँ से अपने घरों से पानी निकाल रहे हैं। घर में पूरा सामान सब इधर उधर हो गया है, घर में पूरा पानी दिखता है, वार्ड वाला ध्यान नहीं देता है, नाली साफ नहीं करता है, बोलने से भी ध्यान नहीं देता है। कुम्हार टोली में सबसे ज्यादा बुरा हाल है, गली में घुटने भर पानी बह रही है, गड्ढे का अता पता ही नहीं चल रहा है। पानी में डूबी खुली नाली हादसे को न्योता दे रही है, उस पर गुजर रही बाइक सवार की जिंदगी भी खतरे में पड़ गई है। हालांकि नगर परिषद के द्वारा यहां पे सड़क बनाया गया है और बीच बीच में नाली में स्लैब हटा दिया गया है, जिससे यहां पे दुर्घटना की भी आशंका बनी रहती है और अभी भी कुछ लोग थे जो दुर्घटना का शिकार होते होते बचे हैं और नगर परिषद है वो इस पर ध्यान नहीं दे रहा है और जिससे जो यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ये लोग गिर गए हैं, हाँ अभी भी गिरा है, वहाँ से लेफ्ट खुला है, वहाँ पर एक घुस गया मोटरसाइकिल वाला, बच्चा लेकर सहित औरत घुस गई नाले। आखिर इस नाले वाले पानी में लोगों को कब तक रहना पड़ेगा? प्रशासन की नजर अब तक इस गांव पर क्यों नहीं गई है? न्यूज 18 उम्मीद करता है कि इस खबर को दिखाए जाने के बाद प्रशासन की नींद जरूर खुलेगी। गुमला से रुपेश कुमार भगत की रिपोर्ट। और अब आपको चाईबासा लिए चलते हैं, जहां बारिश ने हिरनी जलप्रपात की सुंदरता में चार चांद लगा दिया है। कल से हो रही बारिश से रांची चाईबासा एनएच किनारे मौजूद 121 फीट ऊंचाई से गिरते हिरनी जलप्रपात में पानी बढ़ने से इसकी खूबसूरती और बढ़ गई है। आसपास से गुजरने वाले लोग इस नजारे को देखकर मोहित हो रहे हैं। गोड्डा के महागामा प्रखंड कार्यालय में बीपीओ के चैम्बर की छत भरभरा कर गिर गई। वो तो हालांकि गनीमत ये रही कि प्रखंड के कर्मचारी हड़ताल पर थे, इसलिए कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हादसा होते ही आसपास के दफ्तरों के लोग सहम गए। हादसे के बाद भवन निर्माण विभाग पर भी सवाल उठने लगे, क्योंकि प्रखंड कार्यालय 2019 में ही बनकर तैयार हुआ था, तो ऐसे में महज 5 साल में ही छत का टूट कर गिरना विभाग को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है। लेकिन रूम बंद होने के कारण आवाज सुनाई पड़ने के बाद हम लोग देखे तो कोई थे दिखा नहीं, लेकिन जब आज बीपीओ साहब आए देखे रूम खोले तो पता चला कि हमारे छत जो है ना गिरी हुई है। खबर रामगढ़ से है, जहां पर ट्रक ओनर एसोसिएशन ने मोर्चा खोल दिया है। दरअसल ट्रक और हाईवा में ओवरलोडिंग के चलते सड़कें जो है जर्जर हो रही हैं, जिससे हादसे का डर लोगों को सता रहा है। साथ ही ओवरलोड हाईवा से कोयला और आयरन गिरने से प्रदूषण भी फैल रहा है। इतना ही नहीं, ओवरलोडिंग से ट्रिप भी कम होता है, जिससे गाड़ी मालिकों को नुकसान झेलना पड़ता है। और ऐसे में ट्रक ओनर एसोसिएशन रामगढ़ जिले में ओवरलोडिंग के खिलाफ अभियान की शुरुआत कर दी है। देखिए न्यूज 18 संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। ओवरलोड बंद करो, बंद करो, बंद करो, ओवरलोड। रामगढ़ जिला में ओवरलोड नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो कोयलांचल में रामगढ़ जिले के ट्रक ऑनर एसोसिएशन के द्वारा अब से यहां पर अंडरलोड गाड़ियों का परिचालन किया जाएगा। आप देख सकते हैं हमारे साथ कुछ ट्रक ऑनर है यहां पर, उनसे हम सीधे बात करेंगे, वो बताएंगे कि अंडरलोड क्यों जरूरी है। इनका कहना है कि ओवरलोड चलने से सड़कें टूटती हैं, प्रदूषण बढ़ता है और गाड़ियों के पार्ट्स भी टूटते हैं, इससे आर्थिक बोझ इन पर पड़ता है। यहाँ अध्यक्ष उनसे सीधे बात करते हैं, बताइए क्यों अंडरलोड का बात आप लोग कर रहे हैं? यहाँ जो बढ़िया सड़कें हैं वो खराब हो जाती है और फैक्ट्री से जो धुआं उड़ता है पोल्यूशन, वह आदमी के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। और तीसरी चीज की सरकार का भी राजस्व का नुकसान है, क्योंकि जो कैरिंग कैपेसिटी जो गाड़ी का होता है उसे 10 ट्रिपल
लेके जाता है, तो उससे सरकार का भी राजस्व का नुकसान है। अंडर लोड इसलिए जरूरी है कि गाड़ी का पार्ट्स भी ओवरलोड होने से कारण टूटता है, और जो माल रहता है उसमें जैसे कोयला रहता है, लोहा रहता है, वो सड़क पे गिरता है, सड़क भी टूटता है और एक्सीडेंट होने का संभावना भी बनता है, इसलिए अंडर लोड जरूरी है। अंडर लोड चलने से सबसे बड़ा फायदा है कि जो गाड़ी का जो पार्ट टूट जा रहा है वो बचेगा, और साथ ही साथ जो वाहन मालिक जो जैसे साइडिंग में गिर रही है तो वह जो 500 ट्रिप होना चाहिए उसको अपनी गाड़ियां लाकर 100 जो इसका कैनिंग कैपेसिटी 35 टन है उसको 105 टन ले जाके वह मात्र 100 ट्रिप में हो जा रहा है खत्म। उसे यहां के मालिकों को नुकसान हो रहा है और साथ ही साथ सिर्फ कंपनी अपना मुनाफा कमा रही है। ओवरलोड से ट्रिप भी कम हो रहा है, ट्रिप भी कम हो जा रहा है, जिसे गाड़ियों में टूट फूट हो रहा है, गाड़ियों में टूट फूट हो रहा है, उससे जो रोड में गिर जा रहे हैं वेस्टेज माल उससे जो है सो सब नुकसान हो रहा है, दिन एक्सीडेंट हो रहा है। तो आपने सुना यहाँ पर सारे ट्रक हाईवा के ऑनर है, यहाँ पर इनका कहना है कि ओवरलोड चलने से सड़कें टूटती हैं, पार्ट पुर्जे टूटते हैं और प्रदूषण फैलता है। ऐसे में इन्होंने तय किया है कि अब से रामगढ़ जिले में जो भी हाईवा ट्रक चलेंगे अंडर लोड चलेंगे, जिससे सड़क भी सुरक्षित रहेगी, दुर्घटनाओं में कमी आएगी और प्रदूषण पर भी रोक लगेगा। जावेद खान, न्यूज 18, रामगढ़। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देख रहे हैं न्यूज 18।